पलेरा बमोरी थाना अंतर्गत ग्राम रतवास में संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ही घर में चौकीदार महिला संतराबाई की लाश मिली है। वहीं पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीएम के लिए भेजा है। पूरा मामला पलेरा जनपद पंचायत अंतर्गत रतवास का है, जहां संदिग्ध अवस्था में 45 वर्षीय महिला जो गांव में चौकीदारी का काम करती थी, जिसका शव घर में मिला। जिसकी सूचना मिलने पर कनेरा चौकी प्रभारी ने शव का पंचनामा बनाकर पलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं कनेरा चौकी प्रभारी शैलेंद्र सिंह कुशवाहा का कहना है कि कल शाम 7 बजे की घटना है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की जाँच की जाएगी। कल करीबन 7-7:30 बजे की रात की बात है, थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे ऐसे करके रतवास में एक संतराबाई करके एक चौकीदारनी थी, वो ख़त्म हो गई है। तो सूचना पर मुझे मैं वहाँ से मेरा ड्यूटी में था, वहाँ से मैं रतवास पहुँचा और रतवास पहुँचने के बाद मैंने वहाँ तस्दीक किया तो ये तथ्य सामने आए थे कि एक वो करीबन 3-3:30 बजे वहाँ घर पर ही थी और एक उसके बाद एक महिला गई, उस महिला को कोई काम था घर में तो गई, उसने उसको आवाज़ दी और आवाज़ का कोई उत्तर नहीं मिला तो उसको जगाने गई तो वो उसने देखा तो वहाँ मृत पड़ी थी। उस महिला ने गांव के 5-6 लोगों को सूचना दी, सभी लोग वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद में गांव वालों ने भी देखा कि वो एक नॉर्मल पोजिशन में लेटी हुई थी, ऐसा कोई वो नहीं लगा कि कोई संदिग्ध परिस्थितियों में था, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई थी। उसके बाद में उसको पीएम के लिए भेजा गया, ऐसा कोई जांच का विषय है, पीएम रिपोर्ट आने के बाद में और तस्दीक की जाएगी, जैसा भी होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या लगा, हत्या कोई मतलब जो है खाया है, जहर खाया कोई मतलब ऐसा लगा कुछ? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी उसका पीएम रिपोर्ट में बिसरा जब्त किया गया है। जी जी। ऐसा कुछ होगा तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी जानकारी मिल सकती है। टीकमगढ़ पलेरा से ईओडी न्यूज के लिए प्रमोद झा की रिपोर्ट।